इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कब से जो है एजुकेशन प्रॉफिट मेकिंग हो जाना चाहिए, इस बात को लोग मानने लगे। कब से ये मानने लगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाना चाहिए। ये कितनी असंवेदनहीन इनसेंसिटिव बात है कि आप ताबूत से पैसे कमा करके अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। आप चिताओं से पैसे कमा करके अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। आप सरकार हैं, सरकार हमारे यहाँ लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सरकार हमारा माई बाप होता है। आप बताइए कि कोई माँ बाप ही अगर अपने बच्चों को लवारिस छोड़ दे, अगर सरकार ही BSNL के बारे में ना सोचे और जियो धन धना धन करने लगे ये बोल करके कि BSNL प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो BSNL का उद्देश्य कभी प्रॉफिट कमाना था भी नहीं। BSNL का उद्देश्य इस देश को, गांव गांव को, शहर शहर को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ना था। BSNL का उद्देश्य था कनेक्टिंग इंडिया। BSNL का उद्देश्य कभी नहीं था प्रॉफिटिंग इंडिया, और प्रॉफिटिंग इंडिया के नाम पे दरअसल सेलिंग इंडिया इस देश के अंदर चल रहा है। हर चीज जो है वो बेची जा रही है, और इस पॉलिसी के चलते, इस मॉडल के चलते आज हम एक ऐसे मुहाने पे जाकर के खड़े हो गए हैं कि सरकारी व्यवस्था बची नहीं है और प्राइवेट व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। और मेरा इस पे एक बहुत स्पष्ट मत है जिसको मैं यहाँ रखना चाहता हूं कि अगर USSR नहीं होता तो अमेरिका ने यूरोप में पैसे नहीं खर्चे होते, अगर इस देश में पब्लिक सेक्टर नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से कंपटीशन नहीं की होती। जिस दिन BSNL बंद हो जाएगा पूरी तरह से, उस दिन जियो की मनमानी तय है। जिस दिन सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे पूरी तरह से, आप देखिए कि प्राइवेट अस्पताल में भी बेड नहीं मिलेगा। जिस दिन पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूं कि ये इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद है, किसी प्राइवेट स्कूल की ये जिम्मेवारी नहीं है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा PhD करेगा कि नहीं करेगा। उनका बिल्कुल सीधा हिसाब है, पैसा है तो आपको व्यवस्था मिलेगी, और पैसा अगर नहीं है तो आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। और इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना काल ने जो हमारा आंख खोला है, जो हमको दिखाया है, वो ये है कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि पैसा होने के बावजूद भी, धन होने के बावजूद भी आपको अस्पताल में बेड ना मिले। इसीलिए ये जो पब्लिक सेक्टर को बचाने का सवाल है, ये जो मजदूरों को बचाने का सवाल है, और कोविड से कलेक्टिवली जो हम तमाम लोगों को मिलकर के लड़ने का सवाल है, इसमें एक बात मुखरता से सामने आई है, वो ये है कि हमारे भीतर नागरिक होने का कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है।